ଆଜି ହେଉଛି ଶ୍ରାବଣ ମାସର ଶେଷ ସୋମବାର। ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ ଜଳାଭିଷେକ କରବାର୍ ଲାଗି ଭିନ୍ ଭିନ୍ ଶୈବପୀଠରେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ଦେଖବାର୍କେ ମିଳିଛି। ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ତୀର୍ଥକ୍ଷେତ୍ର ମଧ୍ୟରେ ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ପାତାଳଗଙ୍ଗା ଅନ୍ୟତମ। ଜନଶ୍ରୁତି ଅନୁସାରେ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ଭଗବାନ ରାମ ବନବାସ ସମୟରେ ଇ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଆସିଥିଲେ। ମା ସୀତାଙ୍କେ ସ୍ୱସେବାରୁ କେନ୍ସି ଜାଗାରେ ପାନ୍ ନେ ପାଇ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସର୍ ମାରବାରୁ ପାତାଳରୁ ଗଙ୍ଗା ଜଳ ବାହାରିଥିଲା। ସେଦିନୁ ଇ ଅଞ୍ଚଳ ପାତାଳଗଙ୍ଗା ନାଁରେ ଖ୍ୟାତ ହେଲା ଆଉ ଲୋକମାନଙ୍କର ଭିଡ଼ ଜମବାର୍କେ ଲାଗ୍ଲା। ରାଜ୍ୟ ତଥା ରାଜ୍ୟ ବାହାରର ହଜାର ହଜାର ପର୍ଯ୍ୟଟକ ବେଶ ଆକୃଷ୍ଟ କରିଥିସି ଇ ପୀଠଟା। ଇ ପୀଠରେ ଇଥର ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ଭକତମାନଙ୍କର ଗହଲି ଦେଖବାର୍କେ ମିଳିଛି। ପ୍ରତିଦିନ ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଆଉ ବାହାରୁ ଭକ୍ତମାନେ ଆସୁଥିବାର ବେଳେ ଆଜି ହଜାର ହଜାର ଭକତମାନଙ୍କର ଭିଡ଼ ଦେଖବାର୍କେ ମିଳିଥିଲା। हर हर महादेव, हर हर महादेव। मैं इस समय देहोग अंचल के छत्तीसगढ़ से ग्राम बुद्धूपारा से मैं सेल्फ हेमंत यादव और साथ में हमारे गांव से और हमारे अंचल से देहोग के अंचल से बहुत सारे भक्तगण यहां पर आए हुए हैं। और यहां पर हमारे केवल देहोग अंचल से ही नहीं, हमारे समीपस्थ कालाहांडी जिला, नवापड़ा डिस्ट्रिक्ट, बहुत सारे भक्तगण यहाँ पर जो पधारे हुए हैं। जैसा कि कहते हैं, यह जो पाताल गंगा है, जो त्रेता युग में भगवान श्री राम ने माता सीता को अपना केस धुलवाने के लिए और अपना प्यास बुझाने के लिए यहाँ पर अपना सर का वृष्टि किया था, इसलिए यह जगह जो है पाताल गंगा हमेशा से बहुत ही जो ऐतिहासिक दृष्टिकोण से बहुत ही अच्छा है। यहाँ पर जो भगवान शिव का मंदिर है, गायत्री मंदिर है और जस्ट मेरे पीछे जो राधा कृष्ण का मंदिर लगा हुआ है, तो यहाँ पर जो भक्तगण हैं अपना जो मनोस्कामना पूर्ण करने के लिए, क्योंकि श्रावण का महीना चल रहा है, अंतिम श्रावण सोमवार है, तो यहाँ पर अपना मनोस्कामना पूर्ण करने के लिए हर हर महादेव का नारा गूंजाते हुए हर प्रकार से भक्तगण यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। यहाँ का जो दृश्य है बहुत ही मजा आ रहा है। यहाँ पर हर जो दृष्टिकोण से यहाँ पर सभी प्रकार के भक्त यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। निघंज बनानी और जलसत्र सबको आकृष्ट करती। कावड़िया मैंने पाताल गंगार पानी नहींकरी अन्य शिव मंदिर जाई मध्य जलाभिषेक करसन। ओडिशा आउ छत्तीसगढ़ राज्य कावड़िया आउ श्रद्धालु प्रभुंकर जलाभिषेक करी आत्मविभोर हेउछन। ब्यूरो रिपोर्ट, बिगुल टीवी।